अस्सलाम वालेकुम मैं हूं सलमान अली आगा आज हमारे साथ काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन जिनका भी पाकिस्तानी टीम में नाम आया टेस्ट टीम में हमारे साथ मौजूद है आए उनके साथ बात करते हैं हुरारा तो मैं वेलकम करता हूँ आपको पाकिस्तान टेस्ट टीम में आपका नाम है आपको बहुत बहुत मुबारक हो बहुत बहुत और मेरी तरफ से सब मैसेजेस आपके साथ हैं हैंंक तो यहाँ इस फीलिंग के बारे में बताया ऑब्वियसली पहली दफ़ा आपका नाम आया टेस्ट टीम में तो कैसी फीलिंग है Um, जी बिल्कुल आपको पता है कि यार किसी का ड्रीम होता है कि एक तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हायर लेवल पे तो बस एक तो ऑबियसली खुशी होती है अल्लाह का शुक्र है फिर फैमिली वाले भी काफ़ी खुश हैं तो उनसे भी बात हो रही थी तो बस अलहमदिल्ला बट आई थिंक इट्स जस्ट तो द बिगिनिंग अभी तो सिर्फ एक फॉर्मेट में नाम आया अभी पाकिस्तान की तरफ से लंबा रिप्रेजेंट करने का इरादा है अच्छा जब आप कैसे पता चला बताएं और किसको सबसे पहले आपने फ़ोन किया बताया आ, मुझे अब आपको बताया हमारा तो कैंप चल रहा था तो कैंप में ही मुझे हेड कोच ने बताया कि हमारा तो नाम आया तो मैं फिर आ, फिर जब वापस आया रूम में तो फिर ऑब्वियसली सबसे पहले घर कॉल की अबू को अम्मी को तो आ, उनकी दुआएं थी उनकी पेरेंट्स की दुआओं के वगैरह को पता कुछ भी नहीं होता तो बस उन्हीं को घर घर कॉल की सबसे पहले अगर आप अपनी जर्नी देखो ओबली आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है तो अपनी अभी तक की जर्नी मतलब जूनियर क्रिकेट की और उसके बाद फर्स्ट क्लास वगैरह की तो उस जर्नी को कैसे समे जर्नी थोड़ी सी रोलर कोस्टर आइडिया है मेरे लिए तो बिकॉज बहुत ज़्यादा डाउनफॉल्स भी आए और फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने उनको ओवरकम किया मतलब मेहनत की बाकी सब चीज़ों को साइड पे किया तो आई थिंक इट्स बीन अ गुड जर्नी सटीन uh, खेला मैं फिर अंडर नाइन्टीन पाकिस्तान अंडर नाइन्टीन खेला ट्वेंटी ट्वेंटी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वहाँ पर फिर अभी रिसेंटली शाइन्स में फिर फर्स्ट क्लास भी दरमियान में तो इट वॉज वेरी गुड इट वॉज़ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंसिस मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने माशाला जवेद भाई के बाद यंगेस्ट है आप जिसने थ्री हंड्रेड किया हुआ है और माशाला लास्ट ईयर आपने थाउजेंड रन भी किए थे फर्स्ट क्लास में तो कैसी कौन सी चीज़ है माशाला पिछले दो साल से टॉप कर रहे हैं तो हम भी फर्स्ट क्लास खेलते रहते हैं और बड़ी चैलेंजिंग होती है हमारी फर्स्ट क्लास होती है तो कोई ऐसी चीज़ जो आप करते हैं जो इतना आप माशा अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सक्सेसफुल मागा भाई टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा आ, मैं सिर्फ अपना जो काम है अपने हमारी जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हम वैसे प्रोसेस भी कहते हैं मैं सिर्फ प्रोसेस पे रहता हूँ अपने और Uh, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मतलब इस तरह से टॉप होगा बस अपनी जब ग्राउंड में जाते हैं और जब ऑफ द फील्ड होते हैं तब भी कोशिश करते हैं कि जो अपना डाइट फिटनेस वगैरह एक रूटीन है वो अच्छी रहे और जब ऑन द फील्ड जाते हैं तब भी अपनी हंड्रेड परसेंट एफर्ट करने की कोशिश करते हैं बाकी आपको पता है रिजल्ट ऑल्वेज अल्लाह के हाथ में होता है आपको लगता है को कोई ऐसी तो जब हम फर्स्ट क्लास मैं खेलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो पेशेंस है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो आपको भी लगता है को ऐसा कोई की चीज़ हो आप ये एक जो आपको हो कि यार ये फर्स्ट क्लास में मतलब इतना वजह हम ऑब्वियसली रेड बॉल क्रिकेट में आपको पता है पेशेंस तो बहुत ज़्यादा होता है बट uh, जहाँ पे भी आप थोड़ा सा भी uh, आगे पीछे होते हैं आपके मतलब रेड बॉल में आप बिल्कुल भी ईजी नहीं हो सकते और चैलेंजिंग कंडीशन होती हैं तो आई थिंक ऑब्वियसली पेशेंस तो है ही है फिर आपको बहुत ज़्यादा आपका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए रनस किस तरह से निकालने आपको अपनी strengths वीकनेस का पता होना चाहिए जो आपकी वीकनेस है आप उसको कोशिश करें कि ड्यूरिंग द मैच आप उसको मतलब उस तरफ ना जाएं, आप क्योंकि इंसान को डीप डाउन पता होता है कि यार वो कहाँ पे उसकी स्ट्रैंग्स है कहाँ पे वीकनेस है आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे रहें तो आई थिंक दैट्स द वे आई डन मलिक आपके चाचू हैं और वो उन्होंने हमें भी ऑब्वियसली अपनी यंग एज में हमें भी ज़्यादा मोटिवेट किया जी ऑबली uh, मेरी फैमिली में से मेरे चाचा जिस तरह का आपने बताया तो जब आप देखते हैं उनको तो आपको एक सेंस ऑफ मतलब एक बूस्ट मिलता है कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार अगर तो वो इतने हाईस्ट लेवल पे कंट्री को रिप्रजेंट कर सकते हैं इतने लम्बे अर्से के लिए तो वो आई कॉन्ट आए तो इट्स इट हैज़ ऑल्सो ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी एंड बिल्कुल उनसे काफ़ी हेल्दी डिस्कशंस भी होती रहती हैं क्रिकेट के अकॉर्डिंग भी वैसे भी लाइफ के पर्सनल पर्सनालिटी ग्रूमिंग और सब कुछ तो ऑबियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरी अच्छा आप स्टडी माशाल्लाह साथ कर रहे हो हाउ यू आर लाइक डूइंग बोथ कैसे दोनों मतलब कैसे बैलेंस कैसे करते हो यार तो नहीं हम तो थोड़ा सा बड़े उसके बाद बस फिर क्रिकेट ही खेली Uh, जी बिल्कुल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना बट आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉसिबल थोड़ी सी आपको पता है स्पोर्ट्स प्लान को रिलैक्सेशन भी मिल जाती है जिस जिस भी वो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हो ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्पोर्ट्स एबिलिटीज सो Um, बस उसको मैनेज करना थोड़ा ऑब्वियसली इट्स हार्ड इट्स नॉट इजी लेकिन बस कर रहे हैं जब तक हिम्मत है करते रहेंगे <laughs> अच्छा आगा भाई आपका भी टेस्ट डेब्यू जो है वो श्रीलंका में है सो वट विल यू एडवाइज़ मी और चांस टू प्लेर यार इंटरनेशनल क्रिकेट में ना मैंने अभी तक मुझे ऑलमोस्ट डेढ़ साल हो गया पाकिस्तानी टीम में वनडे और टेस्ट खेलते हुए मैंने एक चीज़ जो नोट किया ना वो प्रेशर जो है ना वो अलग लेवल का रहता है डोमेस्टिक से क्रिकेट वही रहती है लेकिन जो प्रेशर है ना अगर आप वो प्रेशर हैंडल कर लेते हो ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको ज़्यादा आसान लगेगा डोमेस्टिक से और श्रीलंका ऑब्वियसली चैलेंजिंग कंडीशन होती है वहाँ पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो स्पिन होता है और सम टाइम आप मतलब स्पिन नहीं भी होता और वो भी थोड़ा मुश्किल रहता है लेकिन एडवाइस यही है कि अपने जो डिफेंस है उस पर बैक करो उसको क्योंकि सम टाइम जब इतना टर्न हो रहा हो ना बॉल तो इंसान पर अपने डिफेंस से हटकर कोशिश करता है कि मैं दूसरी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ मैंने भी वहाँ यही गलती की थी सीधी सी बात तो कोशिश आप ये करना कि अपने डिफेंस पर अपना ट्रस्ट रखो और कॉन्फिडेंस से खेलो और बाकी आप माशाल्लाह टैलेंटेड हो आपने डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंसेस की हैं उधर इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगे अच्छा आगा भाई कैसा एटमॉस्फेयर होता है ड्रेसिंग रूम का इंटरनेशनल आपको पता है हमने तो इंटरनेशनल ड्रेसिंग फर्स्ट टाइम तो और डोमेस्टिक ही हम लोग खेलें हैं या पाकिस्तान ही है हैं तो वट इज़ द डिफ्रेंस कैसा एटमासफेयर होता है ड्रेसिंग रूम का यार चीज़ें थोड़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होती हैं लेकिन अगर आप मतलब थोड़ा लाइटर वे में लो तो उधर मतलब डोमेस्टिक वगैरह से ज़्यादा थोड़ा मजाक हो रहा होता है लेकिन ये अगर लोग प्रोफेशनल होते हैं अपनी मतलब गेम्स के साथ जब अगर प्रैक्टिस हो रही है तो उसको प्रोफेशनल नहीं लेते हैं और जब जारी जहरी मजाक हो रहा होता है तो फिर काफ़ी मजाक भी होता है और काफ़ी इन्जॉय करोगे और माहौल ऐसा है टीम में सब एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं हम भी आपको मतलब अपना भाई की तरह ही समझेंगे और वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू वेलकम यू इन द टीम एंड होपफुली हमारा वहाँ पर आप आओगे और परफॉर्म भी करोगे